भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना सिंगल पलंगिया, जी हाँ, DSR म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। तो चलिए इस गाने के रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। गाना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमने कहा कि DSR म्यूजिक पर रिलीज हुआ है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं, लेकिन गाने में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। जी हाँ, वही पलंगिया, वही सेज, वही कमरिया और वही पवन के घिसे पिटे स्टेप। नया अगर कुछ हो सकता है मिलने लायक तो भाई बेड का साइज, भले ही सिंगल पलंग बोल रहे हैं लेकिन है तो वो डबल, और आपको कुछ भी नया नहीं। गाने के बोल तक आपको ऐसे लगेंगे कि ये रिपीट रिपीट और सिर्फ रिपीट आप सुन रहे हैं। पवन सिंह से ऐसी उम्मीद इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों और फैंस को नहीं रहती, जैसे कि इन दिनों पवन गाने निकाल रहे हैं सेज कमर से तो पवन सिंह ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में इन सब चीज़ों की कमी है, जो प्रोफेशनल लाइफ में पवन सिंह इसे अपने वीडियोस के माध्यम से उतार रहे हैं। वैसे पवन सिंह के हर एक फिल्म में भी कुछ ऐसे ही गाने होते हैं, वीडियोस भी अगर वो बना रहे हैं तो ऐसे ही बना रहे हैं। हाँ, अभी पिछले दिनों में उनका एक सैड सॉन्ग आया था तो उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि अब पवन सिंह कुछ अच्छा लेकर आए, लेकिन इस बार मीठा मीठा बात है कमरिया के बाद सिंगल पलंगिया जब पवन सिंह लेकर आते हैं तो वो देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ में लगती है कि क्या अब भोजपुरिया दर्शक सिर्फ सेज पलंग और कमर से ही आगे चलकर काम चलाने वाला है। गाने बेडरूम से शुरू होते हैं और बाथरूम तक जाते हैं, बाथरूम से शुरू होते हैं और फिर वापस बेडरूम तक आ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है गाने में। हीरोइनें साड़ी पहनती हैं या हीरोइनों के मेकअप और कपड़ों की बात करेंगे तो भाई मेकअप तो इतना होता है जिसे बारे में आप बोल भी नहीं सकते, और कपड़ों की बात करें तो अगर वो साड़ी भी पहन रही हैं तो वल्गैरिटी ही दिखती है, और अगर इससे भी ज़्यादा वो गई तो भाई भोजपुरी में हीरोइनें तो सिर्फ शोपीस होती हैं। इसके अलावा भोजपुरी में हीरोइनों का कोई काम नहीं है, ये सारी हीरोइनें मान ले तो अच्छा है। तभी तो कई साल बीत जाते हैं वुमेन ओरिएंटेड भोजपुरी में फिल्में ही नहीं आती। क्या आपको पिछले 2 या 3 सालों में कोई ऐसी फिल्म याद है भोजपुरी की जो सिर्फ औरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो? आपको ध्यान में नहीं आएगी। वैसे खैर, ये बात हम अगर इस सॉन्ग से लेकर क्यों कर रहे हैं आप ये सोच रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर सॉन्ग की तरफ आते हैं। तो भाई ओवरऑल अगर आप ये कहेंगे कि इस सॉन्ग को 5 out of कितने स्टार देने चाहिए तो हम कहेंगे 5 out of इसे 1 star ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है जिसे देखने के लिए आप जाएं। और अगर व्यूज़ की बात करें, जिसे 5 घंटे में 2 million व्यूज़ मिले हैं, तो भाई अब भोजपुरी जनता को कोई नहीं बचा सकता गर्द में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ अंधे भक्तों की कोई कमी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस गाने के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री के इस दुर्दशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे ये भी हमें ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।